शिल्पा जी नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में आपको ब्यूटी सिखाना मेरी ओर से उचित नहीं होगा क्योंकि यू हैव प्रूव्ड इट। मैं ऐसा मानती हूँ कि जितनी ऊंचाई पर आदमी पहुँचता है वो उतना ही बड़ा योगी होता है। और जैसे आप लोग इतना फिट रखते हैं अपने आप को और चेहरे की कांति बनाए रखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले शिल्पा जी, फिटनेस का राज बताओ। फिटनेस के बारे में मैं ज़्यादा संजीदा अब कुछ एक दो साल से हुई हूँ। पहले इतना नहीं करती थी जितना मैं आज करती हूँ। मुझे लगता है एज के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, समझ में आती है। एंड आई हैव जस्ट मेड फिटनेस अ वे ऑफ लाइफ एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट। फिटनेस के साथ साथ एक एडेड एडवांटेज ये होता है कि आप खूबसूरत भी लगने लगते हैं। लेकिन आई डिडंट जॉइन द जिम बिकॉज आई वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल, आई वांटेड टू लुक फिट। एंड इट वाज एन एडेड एडवांटेज दैट आई स्टार्टेड लुकिंग बेटर व्हेन यू नो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फिटर। तो आप मुझे बताएंगे कि कभी आपने मेडिटेशन किया, कभी आपने इस दिशा में कभी कुछ सोचा? मेडिटेशन मैं रोज़ रात को करती हूँ। मैं दिन में नहीं मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ सोने से पहले। अच्छा। और मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया था, जो फर्स्ट कोर्स था। एक अर्सा हो गया है, 5 साल हो गए होंगे शायद। लेकिन आई थिंक एक शांति बनाए रखने के लिए, या जो बोलते हैं एक जो चेहरे में जो नूर पाया जाता है काफ़ी लोगों में, ग्लो, हाँ, जो ग्लो होता है इनर ग्लो की वजह से होता है। और आई थिंक यू जस्ट नीड टू थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड दैट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। तो आप भी शायद अग्री करेंगे मेरे साथ कि आई थिंक ब्यूटी इज जस्ट स्किन डीप एंड ऑल्सो आई बिलीव दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो इफ यू फाइंड मी गुड लुकिंग, इफ यू फाइंड मी ब्यूटिफुल, इट्स द वे यू लुक एट मी, द वे यू परसीव मी। तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे सो नाइस, आप मुझे ब्यूटीफुल पाते हो। नहीं, दैट्स व्हाई हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है इनर एंड आउटर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि जो अंतर मन से जो सुंदर होता है एक्चुअली वही सुंदर होता है। क्योंकि जिसकी आत्मा किसी ने देखी नहीं है, पर जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, जो मुस्कान होती है, जो शांति होती है चेहरे पर, किसी जैसे किसी पर्सन के रूम में एंटर हो जाने से कभी कभी घबराहट हो जाती है, और किसी के साधु संतों के एंटर हो जाने से, पीर फकीर के एंटर हो जाने से, उनके ऑरा में ही आने से शांति हो जाती है। और उस वक्त आदमी को कभी मंदिर में जाके कभी गलत ख्याल नहीं आते, और जैसे कभी गिरजाघर में जाके कभी गलत ख्याल नहीं आते, एनर्जी बहुत हाई है और पॉजिटिव है। हाँ, इतनी प्रेयर्स की जाती हैं वहाँ पर, इतनी प्रार्थनाएं की जाती हैं, घंटे बजते हैं। ये घंटे जो बजते हैं इसका भी अपने आप में एक महत्व होता है, क्योंकि हम लोग जैसे कहते हैं कि नाद ब्रह्म, तो नाद ब्रह्म जो है, ब्रह्म तरह तरह के बताए गए हैं लेकिन नाद भी एक ब्रह्म है। तो नाद जैसे जो बात करते हैं वो उसके वलय हमारे चारों तरफ रहते हैं, जीवन भर रहते हैं, इसीलिए दुआएं और बदुआएं दोनों लग जाती हैं। और जितनी आप में पावर होती है उतनी ही आपकी बात में वजन होता है। और पावर कैसे आती है? ये ईश्वर की शरणागत होने से, सरेंडर होने से आपकी जो चेहरे में पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी में जो आती है, सिर्फ सरेंडर से आती है। क्योंकि अगले पल तो पता ही नहीं होता कि क्या होना, और इतना हेर फेर दिमाग में, ये ऐसा होगा, ये पिक्चर चलेगी, ये चलेगी, नहीं चलेगी। कभी आदमी ऐसे सोचता है जैसे कि मैंने अपना कर्म कर दिया और अब जो होगा वो जी, मेरी फिलॉसफी यही है, ईश्वर पे छोड़ दो जी, और बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी कौन सी पिक्चरें हिट होती है, कौन सी फ्लॉप होती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बस यही चिंता होती है हमेशा कि आई शुड नेवर लेट माय पेरेंट्स डाउन, एंड मैं उनकी नज़रों में कभी नहीं गिरूं, मेरे लव्ड वंस की नज़रों में कभी नहीं गिरूं। और भगवान की दया से आई थिंक एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ हैज़ हैपेंड फॉर द बेस्ट, और मम्मी डैडी के आशीर्वाद की वजह से जो भी मैं हूँ आज, होने की वजह से हूँ।